हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो यार, तुम में से जो लोग भी नए नए पीसी प्लेयर हो, अभी जो लोग भी नए नए खेल लो फ्री फायर पीसी में, उनके लिए होने वाली है। इस वीडियो में तुमको देने वाला हूँ बेस्ट की मैपिंग तुम्हारे पीसी के लिए, एमुलेटर के लिए। अब चाहे वो ब्लूस्टेक 4 हो या फिर ब्लूस्टेक 5 या फिर MSI 5, जो भी एमुलेटर तुम यूज़ करते हो उसमें तुमको हेल्प करने वाली है। कौन सी कीज़ तुमको कहाँ पर रखनी है, कौन सी कीज़ से तुम्हारा क्या कंट्रोल होगा, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो बहुत मज़ेदार वीडियो है, एंड तक ज़रूर से देख लेना। तो सबसे पहले तो यार, यहाँ पर तुमको अपने गेम वगैरह में आ जाना है, कोई भी एमुलेटर में आ जाना है। यहाँ पर मैं तुमको ब्लूस्टेक 4 में बता रहा हूँ, तो ब्लूस्टेक 4 में तुमको बता देता हूँ। सेंसिविटी यार यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारी जनरल और रेड डॉट की। जनरल की सेंसिविटी अगर तुम एक पीसी प्लेयर हो तो हमेशा तुमको 0 पे रखनी है। अब 0 पे क्यों यार, क्योंकि तुम एक पीसी प्लेयर हो और तुम्हारी सेंसिविटी सिर्फ जनरल से कंट्रोल नहीं होती है, तुमको यहाँ पर अपने जो की मैपिंग होती है वहाँ पर भी तुम्हारी यहाँ पर एक्स और वाई सेंसिविटी होती है, जिससे तुम अपनी सेंसिविटी को और बढ़ा या फिर कम कर सकते हो। तो जनरल हमेशा 0 रखना, रिकॉयल भी कम होगा जिससे। बाकी यहाँ पर कस्टम मोड में आ जाना है, बाकी यहाँ पर उसमें वैसा कुछ भी नहीं था दिखाने लायक। सो कस्टम मोड में गाइस यहाँ पर तुमको यार क्या करना है ना, देखो कुछ भी तुम्हारे जो कंट्रोल है वो पहले जो जिस पोजीशन पे होते हैं वहाँ पर वो काफ़ी सही जगह पे हैं। तुम लोग को करना क्या है, उनकी साइज़ वगैरह थोड़ी सी छोटी कर लेनी है, उनका साइज़ वगैरह थोड़ा सा छोटा कर लेना, उनकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह होती है वो भी थोड़ी सी लो कर देनी है, ताकि तुम्हारे गेम प्ले रिकॉर्ड करने वक्त वो दिखे ना। तो यहाँ पर मैं सीधे ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं सारे यहाँ पर कंट्रोल वगैरह सब साइज़ वगैरह उनका छोटा कर देता हूँ। और जो मेन जो यहाँ पर की मैं कस्टम मोड में जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर तुम्हारा जॉयस्टिक की लोकेशन और उसकी जो साइज़ वगैरह, यहाँ पर तुमको लोकेशन कुछ इस तरह रखनी है, उसकी साइज मतलब पोजीशन कुछ इस तरह रखनी है करेक्टर के अपने थोड़े से लेफ्ट पे रखना है, थोड़े से हेड के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो। और जो फायर बटन है, फायर बटन की डिफॉल्ट लोकेशन पे रखना, उसको चेंज मत करना, वहाँ पर काफ़ी सही लोकेशन होती है उसकी, तो उसको तुमको चेंज नहीं करना है। बाकी जो जॉयस्टिक है उसको यहाँ पर इस तरह रख लेना जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, बाकी तुम लोग को अपने हिसाब से ये मतलब जो भी कंट्रोल होते हैं वो अपने हिसाब से तुमको रख लेना है, और ये तुम मतलब अपने हिसाब से कर लेना। बाकी जो की मैपिंग में जो कस्टम मोड में जो मेन है वो यहाँ पर तुम्हारी जॉयस्टिक और फायर बटन है, वो जो मैंने तुमको बता दिया है। और बाकी यहाँ पर तुमको आ जाना है अपने की मैपिंग पे। सो कैसे हमारे की मैपिंग में यार, तुम लोग को मैं सबसे पहले तो ये सब रिसेट करके बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसको सब हटा देता हूँ, मतलब डिफॉल्ट पहले कर लेता हूँ। सो यहाँ पर तुमको जॉयस्टिक तो जहाँ पर मैंने तुमको बताई थी वहाँ पर रख लेनी है, और यहाँ पर जो लॉक अनलॉक का जो की होती है यहाँ पर ये F1 पे होती है डिफॉल्ट में। सो मैं यहाँ पर इसको रिकमेंड करूँगा कि इसको तुम E पे रखो। E पे इसलिए गाइस क्योंकि ये तुम्हारे लेफ्ट जो हैंड होता है उसके यहाँ पर तुम्हारी फिंगर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज है E की, और बाकी जो कंट्रोल है WASD उसके भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर तुमको जो E जो मतलब माउस लॉक अनलॉक होता है वो बार बार तुमको लॉक अनलॉक करना होता है, जिससे तुम्हारी जॉयस्टिक की प्रॉब्लम ना आए। सो इसीलिए यहाँ पर तुमको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, तो इसको तुम ऐसी की रखो जिसको तुम यार बार बार टैप कर सको, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको E पे रखा हुआ है। और बाकी यहाँ पर फायर बटन तुमको यहाँ पर रख लेना है, और इसकी सेटिंग मैं अगली वीडियो में इसकी सेटिंग ले आऊँगा, एक हेडशॉट सेटिंग ब्लूस्टेक 4 की, तो अगली वीडियो देखना। और बाकी गाइस यहाँ पर स्कोप के लिए राइट क्लिक और जंप के लिए मैंने स्पेस रखा हुआ है, और क्राउच के लिए मैंने यहाँ पर C पे रखा हुआ है, और यहाँ पर जो प्रोन होता है जो लेटने वाला उसके लिए मैंने यहाँ पर Z रखा हुआ है, और यहाँ पर एक्टिव स्किल के लिए मैंने यहाँ पर Alt रखा हुआ है, और रिवाइव करने के लिए या फिर कोई भी सामान वगैरह पिक करने के लिए मैंने यहाँ पर F रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम इस तरह की ये जो कीज़ है वो रख सकते हो। और बाकी यहाँ पर गन्स वगैरह स्विच करने के लिए मैंने 1, 2, 3 वाले कीज़ रखी हुई है गन वगैरह स्विच करने के लिए, और रिलोड के लिए मैंने यहाँ पर की रखी हुई है R, ठीक है। ये सब तुम्हारे यहाँ लेफ्ट हैंड के ना बहुत ज़्यादा क्लोज पे है ये कीज़, तुम एक बार ध्यान रखना, ये तुम्हारे जो लेफ्ट हैंड है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज में ये कीज़, ठीक है, आपस में ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर की मैपिंग वगैरह में ये मैंने रखी हुई है, तो तुम लोग भी इस तरह के रख सकते हो। बाकी यहाँ पर मेडिकेट के लिए 5 नंबर, और ग्लू वॉल या फिर ग्रेनेड के लिए 4 नंबर, और बैग वगैरह ओपन करने के लिए वो यहाँ पर है टैब, और स्प्रिंट के लिए यहाँ पर मैंने रखा हुआ है X को, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये भाई बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल कीज़ है, बहुत ही ज़्यादा वन हैंड कीज़ है, ठीक है। एक ही हैंड में तुम्हारे यहाँ पर सारी कीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, कोई भी तुमको यहाँ पर दूर वगैरह अपनी हाथ वगैरह नहीं ले जाना है, बहुत ही क्लोज में ये सारी कीज़। और मैप के लिए मैंने यहाँ पर M वगैरह यूज़ किया है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड पे खेलना हमेशा गाइस, ठीक है, स्टैंडर्ड पे हमेशा खेलना है, स्मार्ट में मत खेलना, स्टैंडर्ड पे हमेशा खेलना है। बाकी गाइस यहाँ पर की मैप में बस इतनी ही सेटिंग थी, और इसकी एक सेटिंग अगर तुमको चाहिए हेडशॉट सेटिंग तो सब्सक्राइब करना चैनल को, अगली वीडियो में इसकी एक बेस्ट हेडशॉट सेटिंग ले आऊँगा तुम्हारे लिए ब्लूस्टेक 4 की, तो अगली वीडियो का वेट करना, अगली वीडियो में ब्लूस्टेक 4 की हेडशॉट सेटिंग दे दूंगा। और अगर तुमको ब्लूस्टेक 4 के बेस्ट वर्जन चाहिए, अगर तुम्हारी जॉयस्टिक प्रॉब्लम आ रही है, फिर ऑटो सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, तो तुम लोग मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सारा सोल्यूशन दिया हुआ है, तो पिछली वीडियो देख लेना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे पहली बार हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, तुमको यहाँ पर पीसी की ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स और हेडशॉट सेटिंग देखने को मिलती रहती है। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर देना। सो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।